दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का विधानसभा चुनाव मुहाने पर है। विधानसभा चुनाव दस्तक दे रहा है हरियाणा के अंदर और इसलिए ही राजनीतिज्ञों का पारा चढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल जहां अपनी रणनीति बना रहे हैं तो चुनाव लड़ने वाले जो लोग हैं, चुनाव लड़वाने वाले जो लोग हैं, उनका पारा इस समय चढ़ा हुआ है। उनके अंदर तमाम प्रकार की, चाहे वो रणनीति बनाने की बात हो या फिर सत्ता के नज़दीक जाने के लिए कहीं सत्ता खिसक ना जाए और यह सत्ता कैसे हाथ में आई, इस सब को लेकर के नेताओं का पारा गर्म है। इस सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कि आजकल हरियाणा के जो सरकार के वजीर हैं, नायब सरकार के जो मंत्री हैं, वो पूरे एक्शन में हैं और अगर ये कह दूं एक्शन के साथ में वो गुस्से में हैं। एक्शन में तो सरकार और मंत्री रहा करते हैं लेकिन आजकल उनका एक्शन गुस्से में ज़्यादा बदल रहा है। कारण क्या है ये कह नहीं सकते क्योंकि मुख्य कारण तो मैं यही समझता हूं कि चुनाव नज़दीक है, जनता के बीच में खुद को प्रूव करना है। एक अग्नि परीक्षा तो हो चुकी लोकसभा चुनाव में जिसमें कि पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए। 33% 50% वाले नंबर पे पास तो हो गए लेकिन जो खासकर भारतीय जनता पार्टी 100/100 नंबर वाली पार्टी थी, जिसको 100 नंबर के साथ में मेरिट लिस्ट में लिया गया था, अब की बार वो आंकड़ा 50-50 रह गया। एक कारण तो ये हो सकता है और दूसरा कारण, जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहा है तो उनका ब्लड प्रेशर जो है अप डाउन जरूर हो रहा होगा। टिकटों की सारी मारामार रहेगी, किसकी टिकट कट सकती है, किसको मिल सकती है, कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ क्या नहीं हो सकता। टिकट मिलेगी तो फिर जनता की लड़ाई होगी, जनता के बीच खुद को प्रूव करना होगा और शायद मुझे लगता है इसलिए ही सबको लेकर के खासकर सरकार के वजीर, सरकार के मंत्री गुस्से में हैं। ये गुस्सा इसलिए सामने आ रहा है, आज पलवल जिले में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक थी। ग्रीवेंस कमेटी का मतलब होता है कि शिकायत और परिवाद जो आते हैं, यानी कि जो फरियादी होते हैं, जो परिवादी होते हैं, वो जिला उपायुक्त के माध्यम से ग्रीवेंस कमेटी तक अपनी शिकायत पहुँचाते हैं। ग्रीवेंस कमेटी का एक चेयरमैन होता है जो सरकार का मंत्री होता है और ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन की पावर एज ए जुडिशियल पावर होती है इस समय कहा जाए तो, और उनको न्याय करना होता है, उन जो के सामने जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान करना होता है और मंत्रियों के सामने समस्याएं तो जाती ही हैं। ग्रीवेंस कमेटी के अंदर जाती है तो फिर उसका कुछ वजन शायद बढ़ जाता है। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि आज जब हरियाणा के मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल पलवल में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे तो बैठक में उनके सामने वो शिकायत जो थी वो सूचीबद्ध तो नहीं थी, एक शिकायत गई। शिकायतकर्ता विष्णु दत्त नामक व्यक्ति ने कहा कि जिला नगर योजना कार अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, आरोप लगा दिया उन पर भ्रष्टाचार का। आरोप लग सकते हैं, आरोप लगाए जाते हैं और आरोप कोई नई बात नहीं है, आरोप लगना ये लगते रहते हैं हमेशा। आरोप लगा दिया कि भ्रष्टाचार का और आरोप लगा दिया कि उनका जो व्यवहार है वो भी ठीक नहीं है। आरोप तो लगाया डीएमसी कार्यालय पर भी, नगर परिषद पर भी आरोप लगा लेकिन माननीय मंत्री जी ने वहां तुरंत जो जिला नगर योजना कार अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर नरेंद्र कुमार नैन को, उनको सस्पेंड कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया तुरंत प्रभाव से। और जिले की उपायुक्त नेहा सिंह उनके साथ बैठी हुई थी, नेहा सिंह को जो जिले की उपायुक्त है उनको आदेश कर दिया डीसी को कि इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाए। खाता ना बही और जो हम कह दें वो सही, बात तो इसकी यही आएगी। असल बात यह है कि शिकायत, मैंने पहले कहा कि शिकायत हो सकती है, शिकायतें हुआ करती हैं, शिकायत वो कितनी सच है या कितनी झूठ है इसका फैसला करने के लिए उसकी जांच हुआ करती है। और कोई भी शिकायत होती है तो उसके अंदर, चाहे वो जुडिशली पावर यानी कि जज के पास हो, उनके पास जब शिकायत जाती है तो फिर उसकी विवेचना होती है, उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद निर्णय दिया जाता है। लेकिन मंत्री जी को शायद जनता को अब ये बताना है कि हम बहुत एक्शन में हैं, सरकार बहुत एक्शन में है, बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर मैं जिला नगर योजना कार यानी कि जो DTP विभाग है इसको जोड़ दूँ तो DTP विभाग का मुख्य कार्य होता है कि जो कॉलोनाइजर अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं उनको रोका जाए, जहां कहीं अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको रोका जाए,
अगर नगर योजनाकार का मतलब है कि नगर सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो और उसका ढांचा जो है आधारभूत हो, ये सब काम नगर योजनाकार के पास में आते हैं। और नगर योजनाकार से हमेशा खासकर सत्तारूढ़ दल के लोगों को बड़ी शिकायतें रहती हैं। शिकायतें यूं रहती हैं कि जहां जहां भी कहीं अवैध कॉलोनियां कट रही हों, आप मान लें कि सरकार के हस्तक्षेप के बिना या जो लोग सरकार के अंदर प्रभावी पदों पर बैठे हैं उनके हस्तक्षेप के बिना, उनकी रजामंदी के बिना काम हो नहीं सकता। सत्ताधारी दल के लोग ज्यादातर इनमें लिप्त रहा करते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं, पलवल में बिना नाम लिए बता रहा हूं कि पलवल के अंदर ऐसे काफी लोग मेरी नजर में हैं जो सत्ताधारी दल के साथ जुड़े हुए हैं और जिन पर मुकदमे दर्ज हुए अवैध कॉलोनियां काटने के। और आज जब शिकायत हो रही थी DTP साहब की, नरेंद्र कुमार नैन की, तो वहां हंगामा करने वालों में कई कॉलोनाइजर थे जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी सूत्र बताते हैं। तो DTP साहब की यानी कि जिला नगर योजनाकार की शिकायत हुई। जिला नगर योजनाकार की शिकायत होते ही वहां हंगामा होना शुरू हो गया और हंगामा करने वालों में मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में वो लोग भी थे जो कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनियां काटने के धंधे से जुड़े हुए हैं। हालांकि जब चुनाव का मौसम है, आपके साथ साथ इधर जरूर बात जोड़ दूं कि सरकार बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियों को नियमित कर रही है, अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा रहा है। सरकार के अधिकारियों की तो हम मान सकते हैं कि वो उनकी भी कहीं ना कहीं जरूर कोई ना कोई मिलीभगत तो होती है, लेकिन जो सत्तासीन लोग हैं उनकी भी भागीदारी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। खैर, मंत्री जी गुस्से में आए और मंत्री जी ने जिला नगर योजनाकार अधिकारी नरेंद्र कुमार नैन को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड हो गए तो उसके बाद जो अगला एक्शन होगा सरकार का होता होगा। अधिकारी सस्पेंड भी होते हैं, कब सस्पेंड हो जाते हैं, कब बहाल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सस्पेंशन वाली बात तो सुर्खियां बनती है और जब उनकी बहाली होती है तो चुपचाप से हो जाया करता है। जो लोग सस्पेंड किया करते हैं वही लोग बहाल कर देते हैं। कई ऐसे मौके मैंने भी देखे हैं जिसके अंदर कि बड़े बड़े नेताओं ने इसी प्रकार की ग्रीवेंस कमेटी की बैठकों में अधिकारियों को निलंबित किया और बाद में पर्दे के पीछे बैठ के उनको चुपके से बहाली के ऑर्डर भी कर गए। खैर, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आखिर आजकल नेताजी, सत्तासीन नेताजी, मंत्री लोग गुस्से में क्यों हैं, तो बनवारी लाल जी का गुस्सा छलका और बनवारी लाल जी ने DTP को सस्पेंड कर दिया। पहला गुस्सा अकेले बनवारी लाल जी का नहीं छलका, बनवारी लाल जी का गुस्सा पिछले दिनों रेवाड़ी में भी छलका था। इसके अलावा मैं आपको और कई मंत्री बताऊं, कमल गुप्ता जी आजकल बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने तो अधिकारियों की बैठक में ये कह दिया कि मेरी बैठक कैबिनेट मंत्री का ओहरा क्या है वो ध्यान रखें, वहाँ अधिकारियों का होना लाजिम है, चाहे और सारे काम कहीं रह जाएं, कहीं रह जाए बाकी सारे काम। उन्होंने भी निलंबित किया दो लोगों को। इसके अलावा अभय सिंह यादव जो पूर्व नौकरशाह हैं उन्होंने भी निलंबित किया, अभी कुछ लोगों का भी एक्शन लिया उन्होंने भी। मतलब तमाम सारे सरकार के मंत्री इस समय पूरे एक्शन में हैं। सरकार के मंत्री इतने एक्शन में हैं कि सरकार की छवि को बरकरार रखना है, जनता को बताना है कि भैया हम जनता के साथ हैं, जनता के हित में हम साथ रहेंगे, कोई भी अधिकारी नौकरशाह कर्मचारी अगर कुछ करेगा तो तुरंत प्रभाव से उसको बिना किसी जांच के, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी पैरवी के उसको हम निलंबित भी कर देंगे, बाद में बहाल करना होगा तो बहाल भी कर देंगे। लेकिन नेताओं का गुस्सा जो छलक रहा है इस समय वो कुछ कह रहा है। और मैंने आपको इंगित तो कर ही दिया क्योंकि चुनाव नज़दीक है और चुनाव का जो परिणाम आया था, लोकसभा चुनाव का परिणाम, वो किसी भी प्रकार से सत्ताधारी दल के अनुकूल नहीं माना जा सकता। प्रतिकूल उसको माने या ना माने, अनुकूल यूं नहीं मान सकते कि 10 लोकसभा की सीटें थी, पिछली बार 10 में से 10 मिली थी, 100/100 नंबर थे, मेरिट से भी ऊपर पहुंच गए थे, अब की बार वो 50-50 के रेशियो पे पास तो हो गए, बड़ी मुश्किल से सेकंड डिवीजन ही रही। और इस सब को देखते हुए मंत्रियों का गुस्सा वाजिब है, लाजमी है, गुस्सा आएगा भी उनको। गुस्सा छलक रहा है आजकल अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर, खूब तलवार लटक रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस प्रकार के एक्शन से केवल वाहवाही लूटने के अलावा कुछ और भी हो सकता है? आपको क्या लगता है कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी किसी की कोई शिकायत हो तो क्या फिर उसको सफाई का और सुनवाई का मौका नहीं मिलना चाहिए? और आपको क्या लगता है, खासकर DTP के मामले में मैंने आपसे कहा कि क्या जिन लोगों का सत्ता में दखल है क्या उन लोगों की मर्जी के बिना भी कोई काम हो सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।